सास की सोच। गौतम जा अपनी जोरू को बोल अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना, वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से? मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं, आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे आप चुप करो और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है, इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? यह चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया। हाँ सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है, लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ एकदम चांद जैसे अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो, इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी के सुंदरता ने चार चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू ठीक है, जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ अभी उसने बताया तो सही उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया, तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भूली हो, ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो, एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी, और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल की बच्चों को नहीं जानती, शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है, और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ वैसे बहुत तो सही है आपकी, और पता है मेरी बहन की बेटी की शादी को अभी एक महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है, और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है, पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है, और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती है। हाँ अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ यही तो बात है, तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो, और हाँ अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू माँ को देखाई? जी माँ जी अब थोड़ा ठीक है। बहू अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है, बहू लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा, आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तू इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द, ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने? इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी?
माँ चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहाँ आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों, और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया? वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरी दोस्त है तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना तो बस, अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा, ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए, पर माँ जी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ, कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हालचाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं, काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है।